सो है गाइस, आप सभी को फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसा एक एप्लीकेशन जिसको आप यूज करके आप इजीली YouTube का थंबनेल बना सकते हो। सो दोस्तों, पहले का जो वीडियो है हमारा पिक्सेल लैब एप्लीकेशन यूज करके कैसे आप एट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो, अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हो अभी आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। हमने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया है किस तरीके से आप पिक्सेल लैब एप्लीकेशन यूज करके एक अच्छे थंबनेल बना सकते हैं। अगर आपको लगता है पिक्सेल लैब एप्लीकेशंस में आपको बहुत ही हार्ड लगता है या फिर पिक्सेल लैब एप्लीकेशंस में आपका थंबनेल बनाने में टाइम लगता है ज़्यादा, सो हम आज इस वीडियो में ऐसा एक एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जो आप इजीली, मतलब उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट थोड़ा बहुत एडिटिंग करना होगा, आपको पिक्चर वगैरह लगाना होगा, टेक्स्ट वगैरह ऐड करना होगा, सारा चीज़ें इसमें पहले से करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ इजीली उसमें जाके कुछ नहीं करना होगा, आप थंबनेल चूज करना होगा एंड जाके आपका रिलेटेड जो भी कंटेंट है को टाइप करके आपका इजीली आपका जो थंबनेल आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब वहाँ पे आपको सारा चीज़ें करके रखे हुए हैं, आपको जस्ट आपका जो कंटेंट है आपका कंटेंट राइट करना होगा, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहते हो थंबनेल पे वो आपको राइट करना होगा एंड सारा टेक्स्ट वगैरह उसमें ऑलरेडी पहले से दे के रखे हैं एंड उसका जो डिज़ाइन है थंबनेल का पहले से ही बना के रखे हैं। मतलब आपका जो थंबनेल आप बहुत ही क्विक बना सकते हो, मतलब एक मिनट में आपका थंबनेल बन जाएगा। और पिक्सेल लैब में क्या होता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, मिनिमम 30 मिनट्स का टाइम लगता है एक थंबनेल बनाने में, अच्छे वाला थंबनेल बनाने में, ठीक है, मतलब गॉर्जियस लुक देने में थंबनेल में थोड़ा 30 मिनट तो लगता ही है मिनिमम। एंड जो एप्लीकेशन हम आज बताएंगे उस एप्लीकेशन में आपको मैक्सिमम अगर आपको लगेगा तो एक मिनट, एक से दो मिनट में आपका पूरा थंबनेल क्रिएट हो जाएगा। सो दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे कौन सा एप्लीकेशन है। अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जिस एप्लीकेशन के बारे में हम आपको बताएं वो एप्लीकेशन का नाम है कैनवा, CANVA, ठीक है। अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कैनवा, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल करके आपका जो एक ईमेल आईडी से उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने पे आपको सारा चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसमें प्रो वाला वर्जन भी है, मतलब पेड थीम जो होता है उसको अगर आपको लेना होगा सो आपको प्रो वाला वर्जन जो है उसको परचेस करना होगा, ठीक है। प्रो वाला वर्जन आप परचेस कर सकते हैं या फिर जो फ्री थीम्स है उसको यूज करके, उसको इस्तेमाल करके आप खुद की चैनल के लिए थंबनेल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और फ्री डिजाइन में। सो बहुत सारा इसमें फ्री डिजाइन एंड पेड डिजाइन है, जो आपको अच्छा लगे। अगर पेड डिजाइन में आपको जाना है सो आप प्रो वाला वर्जन ले लीजिए एंड आपको फ्री में काम करना है तो फ्री में काम कर सकते हैं। फ्री में बहुत सारा मतलब आपको थंबनेल डिजाइन मिल जाएगा यूट्यूब का। सो चलिए फिर मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं किस तरीके से थंबनेल आप लोग क्रिएट कर पाएंगे कैनवा से। लेट्स सी एंड वॉच। सो गाइस, आपको पहले क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाके कैनवा जो एप्लीकेशन है आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। कैनवा, CANVA, ठीक है। सर्च करेंगे तो पहले आपको आ जाएगा, तो हमारा पहले से ही कैनवा एप्लीकेशन इंस्टॉल है। यहाँ पे अपडेट कर मांग रहा है, अपडेट हम कर देते हैं। आप कैनवा एप्लीकेशन को आपके मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। दोस्तों, जब एप्लीकेशन इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा ओपन पे आप टच कीजिए एंड देन आपके सामने कैनवा जो एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा YouTube थंबनेल, ओके। ऐसे करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए YouTube थंबनेल को आप क्लिक कीजिए। देन इसके बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए स्टाइल थीम्स फीचर्स करके आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर में ये वाला स्टाइल थीम्स फीचर्स, ठीक है ना। इसको आपको अपने हिसाब से सेट करना होगा। चलिए फिर हम स्टाइल को क्लिक कर देते हैं, हम यहाँ पे न्यू स्टाइल ले लेते हैं, ओके। इसको अप्लाई कर देते हैं एंड यहाँ पे थीम पे क्लिक करते हैं, थीम पे हम यूट्यूब कर देते हैं, ठीक है, आप आपके हिसाब से कर लीजिएगा। देन नीचे देखिए बहुत सारा आपको पेड एंड अनपेड थीम दिखाई देगा। जो पेड थीम है अगर आपका प्रो वर्जन है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप सिलेक्ट करके उसको डिजाइन कर सकते हैं। चलिए फिर हम देख लेते हैं एक अच्छा सा, जिसमें पेड लिखा हुआ है उसको क्लिक मत कीजिए, जो आपको फ्री में चाहिए उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इस थीम को हम करते हैं, ये वाला थीम को, ठीक है, ये जो थीम इसको करते हैं। तो सिंपली हम इस थीम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन हमारे सामने वो डिज़ाइन ओपन हो जाएगा, उसको जस्ट हमें सिंपली मॉडिफाई करना होगा अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए क्या क्या मॉडिफाई करना होगा, इसमें आपको पिक्चर को अगर चेंज करना है पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स को आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो टैक्स है उसको हम हमारे हिसाब से लिखेंगे, जो हमारा यूट्यूब का कंटेंट है उस हिसाब से हम टैक्स को लिखेंगे। दोस्तों जो हमारा टैक्स होगा वो हम लिखेंगे कैनवा से, CANVA कैनवा। इसमें अगर हमें हिंदी आपको चाहिए तो आप हिंदी भी कर सकते हो, हमारे पास हिंदी कीबोर्ड नहीं है सो हम गूगल में जाके उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे कैनवा से लिखेंगे हम से, उसको अगर से कर देंगे एंड स्पेस मारेंगे तो यहाँ पे हिंदी टाइप हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे एंड कैनवा पे जाएंगे फिर। चलिए हाँ हो गया, कैनवा से यहाँ पर लिखे कैनवा से थंबनेल कैसे बनाएं उसको हम हिंदी में करते हैं। साइज को अगर बड़ा करना है यहाँ पर फॉन्ट साइज में जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अगर कलर को चेंज करना है कलर भी चेंज कर सकते हो आप, अपने हिसाब से कलर सेट कर दीजिए यहाँ पे जो आपको कलर अच्छा लगे। अलग अलग सेंटेंस को अलग अलग कलर में करना है सो उसको आपको क्या करना होगा उसको कट कर लीजिए पहले। देखिए इसका जो नीचे का पोर्शन है, नीचे का जो टेक्स्ट है उसको हम अलग दूसरा कोई कलर देंगे, इसको हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा दूसरा कलर, जैसे कि ये वाला कलर नहीं चलेगा, हाँ ये कलर सही है। कैनवा से थंबनेल कैसे बनाएं, ओके यहाँ पे जो है और एक पोर्शन से इसमें हम एक पिक्चर लगा देते हैं। ठीक है, इसमें एक पिक्चर लगा देते हैं। चलिए फिर बहुत ही ईजी से आपका हो जाएगा है, यहाँ पे एक पिक्चर लगा देते हैं। पिक्चर के लिए पहले हमें एक पिक्चर ढूंढना पड़ेगा सो हमारे पास पिक्चर ऑलरेडी है, उसको हम बैकग्राउंड पहले इरेज कर लेते हैं। कौन सा पिक्चर देंगे, जो पिक्चर आपको देना है उस पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसका जो बैकग्राउंड है उसका जो बैकग्राउंड इरेज कर दीजिए। ठीक है, और रिमूव डॉट बीजी से एंड देन देखिए इसका जस्ट हमारा जो बैकग्राउंड इरेज हो गया है उसको जस्ट सिंपली डाउनलोड करेंगे एंड यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस पिक्चर को पहले हमें लगाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्लस बटन है, यहाँ पे जो प्लस आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए एंड आपको गैलरी में जाइए। ओके, यहाँ पे इमेज जो है आपको इमेज पे जाइए, जाके यहाँ पे जो इमेज है उसको जस्ट एड टू पेज कर दीजिए। देखिए ये जो इमेज यहाँ पे आ गया है। ठीक है, सिंपली अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप कैनवा यूज़ करके एट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो बहुत ही इजीली एंड बहुत कम टाइम पे आप बना सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे थे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आप अगर मोबाइल पे ट्राई करेंगे बहुत इजीली एंड क्विक आपका थंबनेल बन जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास हमारे यहाँ कैनवा पे क्या होता है, थीम पहले से बना होता है, बस उस थीम को क्लिक करके आप उसमें थोड़ा सा छोटा मोटा मतलब एडिटिंग करके टेक्स्ट वगैरह ऐड करके कलर चेंज करके आप कर सकते हो। सो इसी तरीके से आप कैनवा एप्लीकेशन यूज़ करके आप एक एट्रैक्टिव एंड गॉर्जियस थंबनेल बना सकते हो। एंड देन दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो है ना इसको क्लिक कीजिए। ओके, सेव पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस एरे को अगर क्लिक करेंगे आपके पास सेव हो जाएगा ये पिक्चर, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन ये जो पिक्चर है आपका सेव हो गया है, इसको आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो हमारा हो गया है, गैलरी पे सेव हो गया है एंड देन इसी तरीके से आप इसको कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमने कैनवा एप्लीकेशन यूज़ करके सारा चीज़ें आप लोगों को बता दिए हैं स्टेप बाय स्टेप करके, किस तरीके से आपको पिक्चर लगाना है, किस तरीके से आपको टेक्स्ट को एडिटिंग करना है, किस तरीके से कलर चेंज करना है या फिर एक्स्ट्रा कुछ लगाना है, एक्स्ट्रा इफेक्ट आपको लगाना है, इमेज लगाना है, सारा चीज़ें हमने आपको दिखा दिए हैं। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपका कोई काम पे आए सो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो दोस्तों मिलते हैं नई एक वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।